तो निकाय चुनाव 2019 के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और जिस तरीके के नतीजे हैं उसमें कांग्रेस के लिए अभी तक बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कई निकाय में बोर्ड की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है और शुरुआती परिणाम में कांग्रेस जो है वो ज्यादातर जगहों पर बोर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी को इन परिणामों से एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है निकाय चुनाव के परिणामों में 23 पर क्लियर कांग्रेस निकल चुकी है, 6 पर क्लियर निकली है बीजेपी, 20 पर निर्दलियों की भूमिका है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आई है भीनमाल खाटू श्याम जी में बीजेपी का बोर्ड तय है। कई जगहों पर निर्दलियों के हाथ में बोर्ड की चाबी पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मार्जिन, 23 निकाय प्रमुखों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। 23 में क्लियर जीत चुकी है कांग्रेस, 6 में बीजेपी क्लियर जीती है जो बीजेपी के लिए चिंतन मनन का विषय बन चुका है। 20 में निर्दलियों की भूमिका इस वक्त यह अपडेट मिल रही, यानी कांग्रेस ने एक तरह से इतिहास बदल दिया है 25 सालों का। निकाय परिणाम में कांग्रेस को राहत मिली है, बीजेपी को झटका। माउंट आबू, आमेट, कैथून, निम्बाहेड़ा, छबड़ा, नीमकाथाना, सांगोद में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय, स्थिति बिल्कुल साफ। भीनमाल खाटू श्याम जी में बीजेपी का बोर्ड तय। तो वहीं कई जगहों पर जो है निर्दलीय अब कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। निकाय चुनाव के परिणामों पर सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो आपको दिखाते हैं। कि ये बीजेपी के बड़बोलेपन और घमंड की हार है। आपके लिए कहीं भी आप बहुत बड़ा अपने आप को समझें, बड़ी बड़ी बातें करें, इससे बड़ा राजनीति में पाप नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा का चुनाव जीती है तब से उनका हर नेता बहुत बड़े बड़े बोल बोलता है, मुद्दों की बात नहीं करता, कांग्रेस के खिलाफ उल जुलूल बातें करते हैं। सारी जगह पूरे राजस्थान में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, देश की हवा बदल चुकी, मोदी जी का जादू खत्म हो चुका। 10 महीने का जो कार्यकाल है, जो फैसले हैं, उसको जनता ने स्वीकार किया है। जब से सरकार बनी है किसानों के कर्जे माफ करने से लेकर के और ईडब्ल्यूएस वाला निर्णय जो है उससे लेके इस ईडब्ल्यूएस के निर्णय तक जितने बड़े बड़े काम राजस्थान में हुए हैं, लोग चाहे वो शहरी हों चाहे ग्रामीण हों, सब ने एक सुर से अशोक गहलोत जी की सरकार को कांग्रेस की सरकार के कामों पे मोहर लगाई है। सभी हमने कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं और जो हमने जनता से मैनिफेस्टो में जो वायदे किए उसी के अनुसार धरातल पर फैसले हो रहे हैं। लोगों को हमारे ऊपर विश्वास कायम हुआ है और उसी प्रकार हम काम कर रहे हैं। आम जनता ने राजस्थान की शानदार बहुमत दिया कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी है यह जनता की तरफ से कि बहुत दिनों तक लच्छेदार भाषणों से आप देश नहीं चला सकते, आपको धरातल पे काम करके दिखाना पड़ेगा। बहुत ये प्रसन्नता की बात है कि जनता ने मैंडेट दिया है सोच करके कि सरकार जिस रूप में परफॉर्म कर रही है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो समस्याएं शहर की भी है उसको प्रायोरिटी हल करें और जनता ने विश्वास प्रकट किया है उनकी अपेक्षा और आशा के अनुरूप काम करे सरकार। जनता बहुत समझदार है, वो तमाम सेक्टर साथ रखती है, देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या संदेश देना है केंद्र को भी राज्य को भी। रोबस्ट कॉमन सेंस जनता का, अक्ल होशियारी में जनता बहुत समझदार है, इसलिए वो नाप तोल करके वोट देती है। तो ये सरकार के कामों पर मुहर है जनता की तरफ से जो लगाई गई है, ये कहते हुए सीएम खुद यहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब बीजेपी की तरफ से, डीके चंगानी साहब हैं हमारे साथ इस वक्त और श्याम सुंदर शर्मा साहब भी हमारे साथ यहां पर लगातार बने हुए हैं। आपके पास मैं यहां पर आना चाहता हूं चंगानी साहब, क्योंकि अब तो इस चीज को लेकर क्योंकि गैप बहुत ज्यादा जो है वो आ रहा है, क्योंकि हम यहां पर जो नतीजे देख रहे हैं अभी तक के निकाय चुनाव में जो स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होती हुई दिख रही है उसमें 49 निकाय में से 23 पर कांग्रेस की क्लियर जीत है। आखिर 6 और 23 उस स्थिति में जब अभी हाल ही में आप लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर आए हैं, ये इतना बड़ा अंतर आ जाना, ये आखिर क्या कह रहा है? देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर में राष्ट्रीय मुद्दों को जो इन्होंने पुशअप करने की कोशिश की उसके अंदर में सफलता उनको नहीं मिली। आपको अगर स्मरण हो तो हम बताएं कि जो लोकल बॉडीज के जो कायदा बना हुआ है उसके अंदर में
मोहल्ला कमेटियों का प्रावधान भी है 73 सेक्शन 73 के अंदर में, वो एक तरह से सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक पहलू है कि किस तरीके से जीतने के बाद में हर मोहल्ले के अंदर में एक मोहल्ला कमेटी बनेगी और समस्याओं के समाधान करने की कोशिश की। न तो कांग्रेस पार्टी ने और न भारतीय जनता पार्टी ने उन मोहल्ला कमेटी की ओर ध्यान दिया। अगर ये वार्ड छोटे होते हैं तो निश्चित रूप से उन समस्याओं के ऊपर में लोगों का समाधान करने की जो कोशिश है वो ज्यादा सार्थक हो सकती है। हाँ, तो छोटे तो छोटी समस्याओं के अंदर में जैसे पानी है, बिजली है, सफाई है, यातायात है। चंगानी साहब छोटे तो हो गए, कांग्रेस तो यही बोल रही है कि हमने इसीलिए परिसीमन करवाया था, छोटे करवाने के लिए वार्डों की संख्या, वार्डों का परिसीमन करके परिधि उनकी छोटी कर दी गई, यानी एक की जगह दो तोड़ा गया, उसका परिणाम ये होगा कि दो पार्षद वहां पर होंगे और आम जनता की पहुंच वहां तक ज्यादा होगी। ये तो कांग्रेस ने यही दावा किया है इसके पीछे। ये जो वादा किया है तो हम तो सत्ता के विकेंद्रीकरण करके पक्षधर है, हम होना ही चाहिए। जितनी ज्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा लोगों के पास में, उनके उनकी सफलता के लिए, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको ज्यादा सफलता मिलेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत बड़ी पार्टी है सदस्यों, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी तो बहुत छोटी पार्टी है और हमने कोई ज्यादा चुनाव लड़े भी नहीं है, पर निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण के पक्षधर है। और राष्ट्रीय मुद्दों को इसके अंदर में पूरी तरह से नकारा गया है, कारण कि राम मंदिर अभी बना। सर राष्ट्रीय मुद्दे तो बीजेपी मुझे लगता है खुद समझ रही होगी सुमित, और कि राम मंदिर का मकसद इसमें कुछ नहीं था, 370 का मतलब कुछ नहीं था। जनता तो कह रही थी हमें भैया खड़ंजा पड़ंजा और हमें सड़क दे दो, और वही कांग्रेस ने किया। अच्छा लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, देखिए 23 में कांग्रेस क्लियर है, 6 में आपकी बीजेपी क्लियर है, जिसको लेकर आपको बधाई है। लेकिन सर ये बताइए कि 20 में निर्दलियों की भूमिका आखिर क्यों है, बीजेपी वहां पर क्यों नहीं है? बीजेपी को जनता ने नकार दिया, ये बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है क्या? कांग्रेस नहीं तो बीजेपी तो होती, लेकिन वहां निर्दलीय है। देखिए स्थानीय निकाय का जहां तक सवाल है, जहां छोटे वार्ड है, जहां पर वार्डों का चुनाव होता है, वहां पर व्यक्ति की भूमिका भी इम्पोर्टेंट होती है। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहे हमारी पार्टी के हों जिनको टिकट ना मिली हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों जिनको टिकट ना मिली हो, कई ऐसे भी हैं जो हमसे टिकट मांग ही नहीं रहे थे, लेकिन उनका अपने वार्ड में प्रभाव है और अगर उन्होंने चुनाव जीता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप चुनाव लड़े, चाहे बिना किसी पार्टी के लड़े, और आप जीतते हैं तो आपका भी सम्मान है और आपको बधाई है इस बात की कि आप राजस्थान भर में जीते। बधाई तो हम भी देंगे, आप भी देंगे। अगर कोई निर्दलीय आपका वहां पर जनाधार घट कैसे गया? निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। हाँ। निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। निर्दलीय अगर ज्यादा जीते हैं तो वो सरकार के खिलाफ की बात है कि सरकार को लोगों ने वोट नहीं किया। और आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि अच्छा, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जहां से विधायक, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है क्या? पार्टी का बोर्ड नहीं बना? नहीं, लक्ष्मीकांत जी सरकार के खिलाफ कैसे हो गया? ये सरकार के खिलाफ कैसे हो गया सर? ये तो बीजेपी के खिलाफ नहीं हुआ ना, अगर सत्ता को नहीं पसंद किया तो विपक्ष को भी नहीं पसंद किया, निर्दलियों को दिया, दोनों पक्ष भी तो अपना काम नहीं कर पाया। सरकार नहीं, ये तो आपको कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए कि उनकी खुद की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं ले पाई और कांग्रेस पार्टी के जितने पार्षद जीत के आए उतने निर्दलीय कैसे जीत के आ गए? वो तो उपमुख्यमंत्री है, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो बताएंगे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से। कांग्रेस कह रहे सतीश पुनिया साहब से पूछिए सर, लोगों ने वोट दिया, उपचुनाव हार गए, उसके बाद निकाय चुनाव भी हार गए, लोगों को क्या पूछ रहे हैं? सुना नहीं आपका सवाल। कांग्रेस कह रही कि सतीश पुनिया साहब से सवाल पूछा जाए कि भाई उपचुनाव तो हारे, निकाय चुनाव भी हार गए। देखिए निकाय चुनाव में कल जब आप प्रतिशत निकाल कर आएंगे वोटों का, तब आपको अंतर साफ दिख जाएगा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर है। लेकिन आज आप समझ लीजिए कांग्रेस सतीश पूनिया जी जहां से विधायक है वहां नगर पालिका का चुनाव नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जहां से विधायक है वहां नगर पालिका का नगर परिषद का चुनाव था और वहां कांग्रेस पार्टी के क्या परिणाम है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत का वोट नहीं बना है। आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो अपने ही विधानसभा या अपने ही निकाय के दायरे में नहीं रहता है सर, उसका प्रभाव पूरे राजस्थान में होता है। हार होती है तो उसकी हार होती है, जीत होती है तो उसकी होती है। इसमें ये कतई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में नहीं था, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रेटजी उनकी थी सर, टिकट उन्होंने बांटे थे सर, उनके आधार पर टिकट बांटे गए थे, बीजेपी का जितना जिसको जिसको सिंबल मिला था वो उनके आधार पर, उनके जरिए मिला था, उनके जरिए मिला था। आपका नया नेतृत्व है अच्छा,
और अच्छा, आपके ही नेता तो, गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि हम हार अच्छा, स्वीकार तो करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं ये कांग्रेस की हार है। नहीं देखिए आप तो फिर को आपको तो उनको उनसे भी सवाल करिए ना बीडी कल्ला साहब से कि वो कैसे हार गए बीकानेर में, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है। आप तो सवाल उनसे भी पूछिए ना सर, सवाल तो बीडी कल्ला साहब ये भी तो बीडी कल्ला साहब अगर बीकानेर में हार जाते हैं क्यों आ गए कांग्रेस, तो निकाय चुनाव का जो नतीजा है वो सिर्फ बीकानेर को बेस कर देखा जाएगा या पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके की स्थितियां जो है तमाम वार्डों में आखिर क्या कुछ हालात है वहां का एनालिसिस किया जाएगा। श्याम सुंदर साहब नंबर अगर पूरे दिए जाएंगे वो सिर्फ क्या एक नगर निगम या तीन नगर निगम में भाजपा जिसका दावा बार बार लक्ष्मीकांत साहब कर रहे हैं, जबकि भरतपुर में जो है स्थिति यह है कि निर्दलीय के बिना उनकी भूमिका के कुछ नहीं होने वाला है वहां पर भी। सवाल यह है कि श्याम सुंदर साहब की सिर्फ एक नेता एक वार्ड में या एक निगम के अंदर किस तरीके का प्रदर्शन करता है, उसके विधानसभा के अंदर किस तरीके का प्रदर्शन हुआ है, अगर उप मुख्यमंत्री का बार बार जिक्र किया जा रहा है तो उनके विधानसभा क्षेत्र में आकर पार्टी जीती है या फिर नहीं जीती है, बाकी पूरे प्रदेश में के अंदर किस तरीके का नतीजा यहां पर सामने आता है उसे ज्यादा जो है गौर किया जाएगा या फिर सिर्फ उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो है चीजें गौर की जाएंगी। पूरा जो टिकट वितरण हुआ जैसे संजय ने कहा वो आखिर किसके थ्रू हुआ है, पार्टी जो है वो आखिर किसके बेस पर चल रही है। सर ऐसा है कि आप अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं और मैं अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहा हूं, जो आपको सूट कर रहा है वो आप कर रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूं वो मैं आपके विश्लेषण पर सवाल नहीं उठा रहा लक्ष्मीकांत साहब, आपने इस बात पर मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप गलत विश्लेषण कर रहे हैं। आप साहब आपने एक बात भी सवाल एक बार भी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं कि कौन है जिम्मेदार। हम सिर्फ ये हमारा सवाल लक्ष्मीकांत साहब आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर जितने सवाल हो सकते हैं वो हम आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी से सवाल नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सवाल तो तब होना सब जब वो अपना प्रदर्शन जो है उसे दोहराते ना करते आ रहे हो, और उनसे भी सवाल हम ये नहीं कह रहे कि उनसे सवाल मत कीजिए, आप विपक्ष में थे आपका सवाल आपके सवाल होने चाहिए, उनसे पूछे जाने चाहिए, जवाब तो लेना बनता है, हर किसी से सवाल होना चाहिए। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपसे सवाल है, आप बताइए सर। आप मुझे आपकी बात समझ में आ गई ना सर, लेकिन आप ये बताइए तो सही कि जहां पर बड़े चुनाव हुए वहां कांग्रेस क्यों चुनाव हारी। अरे सर मैंने तो ये पहली कह दिया, लेकिन लक्ष्मीकांत साहब ये कह रहे हैं कि अब जो जो बड़े चुनाव होंगे वहां भाजपा ही जीतेगी और जो छोटे चुनाव होंगे वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगे। उसका 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 उत्तर मैं आपको चार बार दे चुका हूं सर, मैं इसीलिए बार बार उसे दोहरा रहा हूं क्योंकि आप ये कहते हैं कि आखिर बड़ी जगह पर सर आपने कहा कि तीन जगह का आपने जिक्र कर दिया, तीनों निगम की आप बार बार बात कर रहे हैं, इन तीन निगमों के अंदर आपने बेहतर कर दिया, ठीक है साधुवाद आपको, बधाई आपको कांग्रेस पार्टी चुनाव हार, लक्ष्मीकांत साहब बधाई आपको, लेकिन सर इन 23 निकाय का क्या कीजिएगा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र लक्ष्मीकांत साहब बधाई आपको इन तीन निगम के लिए आप जीत गए, उन्होंने जिक्र किया बहुत अच्छा है कि आपका बोर्ड बन रहा है निगम के अंदर, आप इन तीनों निगम के अंदर आप आए हैं, लेकिन इन 23 का क्या कीजिएगा साहब, उन 23 का क्या कीजिएगा जहां पर आप जो है हार गए हैं, उनके उनके लिए भी तो मंथन होना चाहिए सर। मंथन तो हम जीतते तो भी करते हैं, मंथन हम हारेंगे तो भी करेंगे, मंथन में हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हर बार करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर चुनाव में करें, लोकसभा चुनाव में जब हमने 25 की 25 लोकसभा की सीटें जीती थी और बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी को चुनाव हराया था, हमने मंथन तब भी किया था, मंथन तो हम हमेशा करेंगे, लेकिन सवाल आज का है कि आप कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट दिख रहा है वो किस वजह से आया, आपका सवाल है उसका जवाब मैंने दिया है और हर बार दिया है कि किस वजह से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कहीं पर अच्छा हुआ और कहीं पर बुरा हुआ है, उसका विश्लेषण करके मैंने आपको बताया कि कहीं अगर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हुआ उसके कारण क्या। अभी आपके पहले भी प्रवक्ता थे, आपके पहले प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, आपके पहले जो प्रवक्ता थे श्रीमाली साहब उन्होंने कहा एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ थी, एक बार कह रहे हैं कि परिसीमन इस तरीके से किया गया कि हमें हरवाने के लिए किया गया था, और आपके सर आपने भरतपुर का जिक्र किया ना, मैं चाहता हूं आप बीकानेर का जिक्र कर दीजिए एक बार, वहां बीडी कल्ला पर आपने सवाल खड़े किए, हम तो अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पर हैं यह भी हमें पता, वहीं से केंद्रीय मंत्री हैं, आखिर तीन सीटें कैसे कम हो गई आपकी, निर्दलियों पर कैसे जनता पहुंच गई, बिना उनके सहारे आपका बोर्ड नहीं बनेगा, और वही हालात इस वक्त कांग्रेस को लेकर पर विपक्ष में रहते हुए जो सरकार के सहाय में चुनाव हुआ है पूरी तरह सरकार के प्रभाव में चुनाव हुआ है, बावजूद सरकार से लड़कर हम बहुमत के करीब पहुंचकर आए, जो सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, दो दो बड़े डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बीडी कल्ला वहां पर जमे रहे, उनकी खुद की विधानसभा वहां पर चुनाव हार गए श्याम सुंदर शर्मा जी रोज सुबह कांग्रेस पार्टी पे वहां पर जाते हैं, कागज लेकर आते हैं, सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कैसे चुनाव, लक्ष्मीकांत जी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लक्ष्मीकांत जी
सुनिए एक बार, एक सेकंड सुनिए सर, लक्ष्मीकांत जी आपने कहा सरकार होने का फायदा मिलता है सर, सुनिए आपने कहा सरकार होने का फायदा मिलता है, यानी पिछले जब वसुंधरा राजे सरकार आई थी उसके बाद आपने भी फायदा लिया था, मैंने नहीं कहा, और इसके पहले पांच साल जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो आप कैसे रिपीट हो गए थे? मैंने नहीं कहा, ये आपके शब्द है, मैंने नहीं कहा, एंटी गवर्नमेंट के कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग किया सत्ता का, मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि चलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, श्याम सुंदर जी इसको आप सर क्लियरिफाई कर दीजिए, क्लियरिफाई कर दीजिए, यही बोल रहे हैं कि देखिए सरकार जिसकी होती है उसको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, यानी पिछले सरकार में इन्होंने बेनिफिट उठाया था, वो अगर ये आरोप लगा रहे तो वो कांग्रेस कर रही है। दूसरी चीज ये सुन लीजिए, दूसरी चीज ये कि अब तक पांच साल आपकी रही सरकार, चाहे अशोक गहलोत साहब की रही हो, लेकिन वोट पर आप ही का कब्जा होता था, तब ऐसा क्यों नहीं होता था, तब ऐसा क्यों नहीं होता था कि जनता आपके द्वारा दूसरे को चुनती रही थी, आप पर भरोसा था, और इस बार क्या बदल गया? देखिए संजय जी, अब ये बार बार कह रहे हैं, हर पार्टी जब सत्ता में होती है उसका सदुपयोग करती है, आप थे जब आपने भी किया था, इसलिए आपके सब किसको सदुपयोग कहते हैं वो स्पष्ट करिए पहले, तो आप सदुपयोग किसको कहते हैं वो स्पष्ट करिए पहले, आप सदुपयोग किसको कहते हैं वो स्पष्ट करिए ना पहले, सुन लीजिए, देखिए आप बोलिए सर, देखिए संजय जी अब ये नहीं कह रहे हैं कि चूरू में इनके उपनेता है राजेंद्र राठौड़, अरे आप ये नहीं कह रहे कि आपके मंत्री बीडी कल्ला वो चुनाव उनके हार गए, यहाँ पर डिप्टी सीएम है सचिन पायलट वहां पर चुनाव हार गए, उसकी बात ही नहीं कर रहे आप, आप ढूंढ ढूंढ के बीजेपी नेताओं को लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस को लाइए, आप सुन तो कांग्रेस को लाइए, डिप्टी सीएम कैसे चुनाव हार गए, उनके आप चुनाव जीते हो, लीजिए थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, मंत्री लक्ष्मीकांत जी इत्मीनान, एक सेकंड का ध्यान रखिए सर, बोल लीजिए अपनी बात, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा, नहीं दिया तो फिर बोलिएगा। संजय जी अब ये कह रहे हैं कि टोंक में क्या स्थिति थी, इनका जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ा, इनका युवा मोर्चा का चुनाव लड़ा, महिला मोर्चा की चुनाव लड़ी, सारे दिग्गजों को उतार दिया वहाँ पर, सचिन पायलट क्या वो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से विधायक है, डिप्टी सीएम वहाँ से विधायक है, अरे कैसा विश्लेषण कर रहे हैं श्रीमान, आपसे अच्छा तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं कर पाता, कैसा विश्लेषण कर, सचिन पायलट डिप्टी सीएम युवा मोर्चा लेता, वो पूरी उम्र की नहीं थी, वो हार गई चुनाव, वहाँ पे चुनाव ही नहीं लड़ सकी, वहाँ कांग्रेस निर्विरोध जीत, और आपने ये नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता को एक वार्ड में खुद का ही वोट नहीं मिला, अरे सारे के सारे वोट बीजेपी को मिल गए, आप जो बोल रहे हो मैं कैसे मान लो, अरे कहाँ से मान लो, नसीराबाद का वार्ड बता रहा हूँ आपको, आप वो तो अरे आपका काम है, बात तो सुन लो, नसीराबाद में सर आपको भी नहीं मिला है, निर्दलीय यहाँ पर भी बड़ी भूमिका में है सर, इनको ये स्वीकार, नसीराबाद में कांग्रेस बीजेपी तो करिए ही मत, 49 में से केवल 6 जीत पाए, अभी तक तो इनके 6 ही जीते हैं, उसके बाद भी अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा शाह चंद्र जी तो कांग्रेस अच्छा नहीं रहा, अब ये बार बार सर कोई किसी का भक्त नहीं है, कोई किसी का भक्त नहीं सर, हमारी जिम्मेदारी, हम सवाल पूछ रहे हैं, आप सत्ता में थे तो हम उनसे सवाल पूछे, आप अगर विपक्ष में तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, और कोई यहाँ पर आता है किसी का भक्त बन के नहीं हम बिठाते हैं, सबका अपना विश्लेषण होता है, बात सुनिए उसका जवाब दीजिए, 50 से घटकर 6 पर आ गए, क्या कारण है इसका, मंथन करिए, बताना चाहता है हम किन कमजोरियों के कारण चुनाव हारे, ये चुनाव हारने की वजह को नहीं देना चाहते, इन्होंने अपनी प्रतिपक्ष, इनकी जो नेता थी जो 5 साल तक राज किया था उसे तालमेल नहीं किया, उनको पूछा तक भी नहीं कि आपको किस प्रकार से टिकट दिया जाना चाहिए, एक सधा हुआ सवाल है सर, श्याम सुंदर शर्मा जी रुकिए, एक सधा हुआ सवाल, आपने सही जिक्र कर दिया, लक्ष्मीकांत जी ये बताइए कि वसुंधरा राजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जो कहा जाता है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई नहीं है? दूसरा ये कि आपके नेता नहीं है ये नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन जब भी वो कटाक्ष करते हैं, जब भी वो प्रहार करते हैं वसुंधरा राजे पर, क्या बीजेपी कभी खुलकर इनके समर्थन में आई कि हमारे नेता पर आप लोग कैसे बोल सकते हैं? और जनता यही कह रही है सर कि नया नेतृत्व है, क्या समझ में नहीं आ रहा अभी तक,
जनता यही कह रही है कि नया नेतृत्व समझ नहीं आ रहा, दो छोटे छोटे चुनाव का परिणाम आया है वो आपके फेवर में नहीं गया। नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं, आप नया नेतृत्व तो किसको कह रहे हैं? हाँ। जो व्यक्ति जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा से लेकर पार्टी हाँ। में 15 साल तक महामंत्री रहा उसको हाँ। आप नया नेतृत्व तो नहीं कह सकते। हाँ। नया नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी देती है। सर मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, हनुमान बेनीवाल का आप लोगों ने कभी अपोज किया? अगर जानकारी नहीं तो हनुमान बेनीवाल का आप लोगों ने कभी अपोज किया? जब वसुंधरा राजे आपके इतनी वरिष्ठ नेता दो मुख्यमंत्री रही थी, उनको जब उन्होंने कटाक्ष किया, उनको घेरा, तो आप लोगों ने किया? कांग्रेस के भीतर जानने चले जाते हैं, अपने भीतर आपको कभी नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी में तय, कोई व्यक्ति कहां पर चुनाव प्रचार करने जाएगा, कोई व्यक्ति कहां पर चुनाव प्रचार करने जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि मुख्यमंत्री भी वार्ड का चुनाव जीतने के लिए अपनी सरकार पूरी लगा दे, पूरी ताकत लगाकर वहां पर प्रतिष्ठा का प्रचार करें। क्या बात कह रहे हैं, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार की, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पार्टी नहीं है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानी का चुनाव जितवाने के लिए पन्ना प्रमुख बनवा देता है। आपकी समस्या है, सुन लीजिए सर, लक्ष्मीकांत जी आपके बात का जवाब मैं देता हूँ। लक्ष्मीकांत जी आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ सर, आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ। पायलट की विधानसभा कैसे हार गए, सुनिए ना, किल्ला की विधानसभा कैसे हार गए, रघु शर्मा के पूरे जिले में कैसे हार गए, रघु शर्मा के पूरे जिले में कैसे हार गए। चलिए ठीक है, नहीं लक्ष्मीकांत जी चलिए यही पूछ लेते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आखिर बीडी कल्ला जो है वो कैसे हार जाते हैं, जहां उनकी जिम्मेदारी जो है उन्हें दी जाती है उस इलाके में आखिर क्यों जो है कांग्रेस पार्टी हार जाती है। आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं होता है। चलिए यही सवाल पूछते हैं। चलिए श्याम सुंदर साहब बताइए, ये जो हार हुई है इससे, इसके बाद हम पूरा आकलन कर लेते हैं, पूरे नंबर देते हैं, कांग्रेस पार्टी जहां पर उप मुख्यमंत्री का एक बड़ा पद देती है सचिन पायलट को, उस इलाके में आकर जो है निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बुरा प्रदर्शन होता है। बीडी कल्ला जहां पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंके हुए थे बीकानेर के अंदर, वहां पर बीजेपी एक बार फिर से अपना बोर्ड बनाने में कामयाब है। ठीक है, हम यहां से नंबर दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को हम यहां से फेल मान लेते हैं कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया है और कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है, मान लें इसको हम। श्याम सुंदर साहब, देखिए ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये बार बार जो कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी कि ये अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे, वो तो सवाल का जवाब दे दो सर। मैं कह रहा हूँ ना, आप बीकानेर की बात कर रहे हैं, बीकानेर में जिस प्रकार की देखी गई टिकट बंटवारे को लेकर जो कुछ आपस में संबंध में कांग्रेस में नहीं था, ये बात सही कि बीडी कल्ला अकेले ही चुनाव लड़ा रहे थे, बाकी लोग नहीं लग पाए उनके। हाँ। लेकिन ये नहीं कह रहे, मासूमियत से कह रहे सर, आप सुनते लीजिएगा, आपकी सिद्धि कुमारी चुनाव प्रचार नहीं कर पाई जितनी हमारी छोड़ी है, आपका प्रदेश लगे बीडी कल्ला की बात करिए, आज भी आप सुनिए बीडी कल्ला जी की बात करिए ना सर, कांता नहीं ले पाए लक्ष्य, कांग्रेस तो हार गई ना सर, हम आपके साथ खड़े हैं श्याम सुंदर जी, डरिए मत सरकार से, इतना मत डरिए सर आप सरकार से, गलत है आप लक्ष्मीकांत जी, आकलन जो है, और ये लक्ष्मीकांत साहब ने खुद कहा था, इनका बोर्ड था सर, चलिए सीटें कम हुई है, कांग्रेस की नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपको समझ रहा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय देखिए, आकलन जो है, और ये लक्ष्मीकांत साहब खुद ने कहा कि उनका एनालिसिस उनके तरीके से है, आप अपने तरीके से एनालिसिस जो है यहाँ पर कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप उन इलाकों को जो जहां पर आपने जीत दर्ज की है आप उनको मेंशन करेंगे, वहां बताएंगे कि देखिए हमने बीकानेर के अंदर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, हमने जो है भरतपुर में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, उदयपुर में, यानी जहां आपकी जीत हुई है उसे आप स्वीकार करेंगे, यानी कि जो मीठा मीठा है वो गपगप और जो कड़वा है वो थूक। बीजेपी को यह स्वीकार करना होगा, ये कांग्रेस की प्रचंड जीत है सर सुमित, ये कांग्रेस की प्रचंड जीत है और ये साफ तौर पर दिखाती है कि 25 या 30 साल का जो निकायों का इतिहास रहा है कांग्रेस ने बदल दिया। बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त हम दे दें भरतपुर से, जहां पर अभिजीत जाटव ही होंगे कांग्रेस के मेयर के दावेदार। कांग्रेस के मेयर के दावेदार का जो नाम है वो पूरी तरीके साफ होता हुआ अभिजीत जाटव ही होंगे अब कांग्रेस के मेयर के दावेदार। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा है वार्ड 15 से पार्षद चुने गए हैं अभिजीत जाटव, संख्या बल भले ही बीजेपी से कम लेकिन कांग्रेस का ही यहां पर बोर्ड बनाएंगे, यानी कि जो स्थिति है वो ये कि बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा। कांग्रेस की टिकट पर वार्ड संख्या 15 से चुनाव जीते हैं अभिजीत जाटव, लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन उसमें किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार तय माना जा रहा है कि भरतपुर नगर निगम की जो मेयर की कमान है वो इनके हाथों में होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह जनता ने इनको मत दिया है अब किस तरह की रणनीति रहने वाली, हालांकि जो संख्या है, संख्या बल है वो कांग्रेस का, वो भाजपा से थोड़ा सा कम है, निर्दलीय की बड़ी भूमिका है, किस तरह की तैयारी आपकी है, आरटी कोर से अभी आपको अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, किस तरह की चीजें
सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने वार्ड नंबर 15 के मतदाताओं को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मुझे ये जो जो खुशी का पल है वो हासिल कराया। जहां तक वोट की बात है तो इसमें कोई शंका या सुबह नहीं है, वोट तो कांग्रेस का बनेगा, एक आध कम है भाजपा से, वो हमारे आड़े नहीं आएगी। हाँ, हमें निर्दलीयों की जरूरत पड़ेगी अपना वोट बनाने के लिए और उसके लिए हम लगातार उनके संपर्क में हैं और हमें पूर्ण विश्वास है वोट हमारा ही बनेगा। कुछ लोग जो जिनको टिकट नहीं दे पाई थी पार्टी किन्हीं कारणों से और बागी के रूप में कांग्रेस के लोग थे जो चुनाव जीते, उनसे लगातार संपर्क है? बिल्कुल बिल्कुल संपर्क में है और वो लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, सारी बातें ध्यान में रखते हुए पार्टी निर्णय करती है। कुछ नाराज होते हैं, कुछ को टिकट मिल जाता है तो अभिजीत जाटव जिनका कहना है कि वोट कांग्रेस का बनेगा और जनता ने जो प्यार और विश्वास दिया है उस पर वो खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। प्रायोजक मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा आओ अब सब बचेगा और मास्टर कार्ड सेफेस्ट वे टू पे। प्रदेश भर में निकाय चुनाव परिणामों की मतगणना जारी, कई बोर्डों पर कांग्रेस का कब्जा। निकाय चुनाव में सीएम गहलोत का चला जादू, ज्यादातर बोर्डों पर कांग्रेस ने जमाया कब्जा। बीकानेर नगर निगम में भी निर्णायक जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी। विश्वास प्रकट किया है, उनकी अपेक्षा और आशा के अनुरूप काम करे सरकार। जनता बहुत समझदार है, वो तमाम सेक्टर साथ रखती है। निकाय चुनाव में चंद बोर्डों पर सिमटी बीजेपी, उदयपुर का गढ़ बचाया। बीकानेर में 80 में से 38 सीटें बीजेपी के खाते में, भरतपुर में निर्दलीय करेंगे मेयर का फैसला। पिलानी नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी बने जनता के पसंद, 35 में से 31 वार्डों में निर्दलीय चुनाव जीते। सादुलपुर नगर पालिका परिणाम के बाद हंगामा, जुलूस निकालने के दौरान हुई पत्थरबाजी,
मोहल्ला नरडियान की घटना। प्रायोजक अवनी का ही जीरा बीज बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो निकाय चुनाव 2019 पर लगातार महाकवरेज आप देख रहे हैं, जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से गदगद है, तो वहीं बीजेपी के लिए झटका है। वहीं निकाय चुनाव नतीजों पर सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया है, आज आए निकाय चुनाव के नकीद नतीजे सुखद हैं, जिला परिषद उपचुनाव, पंचायती राज उपचुनाव और विधानसभा यानी कि मंडावा और खिवसर का उन्होंने जिक्र किया। उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का समर्थन दिया है। जनता ने संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी शासन और साथ ही गुड गवर्नेंस देने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। मैं सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके साफ तौर पर चीजों को लेकर आम जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दोनों सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली, एक सीट पर जीत मिली, उसके बाद उपचुनाव के परिणाम ये दिखाते हैं कि 11 महीने की सरकार ने जिस तरीके से आम जनता के वादों को पूरा किया है, आम जनता का भरोसा जीता है, उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन तमाम चीजों पर सरकार के कामों पर जनता मुहर लगा रही है और उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव पर भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें आपने यहां पर कुछ देर पहले सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई, साथ ही साथ पारदर्शी तरीके से विकास के कार्य को बढ़ाया गया, ये उस 10 महीने के कार्यकाल पर मुहर है और आखिर उन तमाम चीजों को जनता ने स्वीकार किया है, इसीलिए ये नतीजे अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए हैं। और वहीं बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर ये सामने आए हैं नतीजे। हालांकि अगर बात की जाए तीन निगमों की तो उसमें बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर पर अब बीजेपी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। चलिए उससे पहले यहां पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं हम, यहां पर ये जश्न की तस्वीरें, किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आए, जहां जहां पर जीत जो है वो दर्ज की गई है। भीनमा, जालौर, बारा, डीडवाना, चुरू, साथ ही निमका थाना और साथ ही जैसलमेर, महुआ, दौसा और निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें जहां पूरी तरीके से कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आए। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये निकाय चुनाव लेकर आया है और वाकई में ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 8 तस्वीरें साफ तौर पर जिस तरीके से पीसीसी दफ्तर से लेकर तमाम जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस अब जनता के दिलों में जगह बनाने लगी है। ये भीरमाल की तस्वीरें जालौर की हैं, बारा की तस्वीरें हैं छबड़ा की, वो डीडवाना की तस्वीरें आपके सामने चुरू और निम्बाहेड़ा समेत इधर महुआ और यानी दौसा की तस्वीर है, जैसलमेर की तस्वीर है और श्री इधर नीम का थाना की तस्वीर सीकर की, यानी कुल मिलाकर यह है सीकर में भी कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। उधर उदयपुर के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगातार छठी बार अपना बोर्ड बनाने में सफल रही है। बीजेपी की इस जीत पर नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, वहीं इस जीत पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने शहर की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने जी राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि लगातार 6 बोर्ड बनाना बड़ी बात है और वो शहर की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। वहीं प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन पर समीक्षा करने की बात उन्होंने कही है। आपने जीत दर्ज की है, क्या इस प्रदर्शन से आप खुश हैं या इससे बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए? 100% खुश हूँ। कुछ मेरे कार्यकर्ता भी 2-3-4 जगह चुनाव लड़े हैं, उसके कारण से थोड़ा डैमेज हुआ, बाकी मैं सोचता हूँ कांग्रेस जिस बात के लिए इतरा रही है, सरकार उनके होते हुए बोर्ड बनाने की सपने देख रहे थे, रोज अखबार में दे रहे थे, वो 19 पे टिक के रह गए, तो उनको सोचना चाहिए कि जनता ने आपको इतना सब करने के बाद भी हमारे खड्डे गिना गिना करके आप थक गए थे, सड़कें उधड़ी हुई है, ये हुआ है, खराब हुआ है, लाइट नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार है, दुनिया भर के आरोप लगाने के बाद भी जनता ने उनको समझा दिया
ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, हम आज भी उनके साथ हैं। मतलब उदयपुर शहर में तो बोर्ड बन गया, लेकिन अगर संभाग की बात करें और प्रदेश की बात करें तो निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा। क्या कारण आप समझते हैं कि इस कारण से लगातार 11 महीने तक आप सरकार की विफलताएं गिनाते रहे, हमलावर रही भारतीय जनता पार्टी, फिर भी निकाय चुनाव में ऐसा प्रदर्शन? मेरे को पूरा राजस्थान का तो अभी डिटेल में नहीं ले पाया क्योंकि मैं आज अपने स्वयं के ही काम में फंसा हुआ था, लेकिन मैं अपने संभाग के बारे में जो लिया है, मैं सोचता हूँ जो सोचते थे उस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ, निश्चित रूप से होनी रही है। और उसका कारण है कि कांग्रेस ने इन चुनावों को एक राजनीतिक दृष्टि से किस तरह से मैनेज किया जाए, ये पहली बार उदयपुर में जो कम परसेंटेज हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण सीमांकन है। महापौर का चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है? जीएस टाक को जो है ये कह रहे थे कि ये अगर भाजपा का बोर्ड बना तो यही महापौर होंगे, क्या ऐसा हमने तो कभी कहा नहीं, ना कोई विज्ञप्ति जारी की, ना कोई पैम्पलेट छका बांटा। हमारे यहाँ महापौर जो है ना वो चुने हुए पार्षद बनाते हैं और पार्टी के प्रमुख लोग बैठ करके चर्चा करते हैं। मैं उन सब पार्षदों से राय लूंगा और जो भी खड़ा होना चाहे वो सब अपने नाम दे दे, मैं भी महापौर बनना चाहता हूँ, उनके नाम भी उनके सामने रख दूंगा और उसमें से वो जो टिकिंग करेंगे 1, 2, 3 उसके हिसाब से मैं टीम के साथ डिस्कशन करके निर्णय करूंगा। तो ये नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जो कि उदयपुर शहर में लगातार छठी बार वोट बना, जनता का आभार जता रहे हैं, साथ ही जो प्रदेश में जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा उसकी कहीं ना कहीं फिर से समीक्षा करने की भी बात कर रहे हैं। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया उदयपुर। तो निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जी मीडिया संवाददाता से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनते हैं। और कांग्रेस की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इस बार भाजपा का बोर्ड नहीं रहेगा, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी नगर निकाय चुनाव को लेकर है और जिस तरह के नतीजे आए पूरे राजस्थान में, कई जगह कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें आई हैं। सर जी, पूरे राजस्थान से अच्छी खबरें आ रही हैं और भरतपुर का तो आप जानते ही हैं कि ये जो पुराने जमाने से इसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर भी निकाय चुनावों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और जो आपने खुद भी जैसा कहा कि जो ज्यादातर निर्दलीय हैं वो कांग्रेस विचारधारा के हैं, बसपा ने भी हमको समर्थन देने की बात कही है और निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट बनेगा। सर इस बार किस तरह जिस तरह की रणनीति रहने वाली है, लगातार अगर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो निश्चित रूप से शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहीं पिछले पिछड़ गया था, ये तो मैंने हर मीटिंग में कहा है कि जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ोगे सरकार, अगले 4.25 साल तो कांग्रेस की रहेगी राजस्थान में, तो अगर बीजेपी का वोट बनता है तो फिर शहर की अपेक्षित रहेगा शहर। सर हम देख रहे हैं लगातार जो पार्षद चुन के आए हैं वो लगातार, आप राजभवन से भी आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको खुद सीधे स्वयं फोन करके कह रहे हैं कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनको निश्चित रूप से, चाहे वो कुछ लोग निर्दलीय स्वयं ही आपको ही फोन कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबका स्वागत है और कोई बीजेपी के पार्षद भी आना चाहे उनका भी स्वागत है। ये थे कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि उनके यहाँ सबका स्वागत है और निश्चित रूप से इस बार जनता ने जिस तरह कड़ी से कड़ी जोड़ी है ऐसे ही निगम में भी कांग्रेस का वोट बनेगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया भरतपुर। तो आपने सुना लेकिन किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अब इन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकिन बीजेपी के लिए मंथन करने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, अलका गुर्जर जी इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी से, मानचंद खंडेला साहब है राजनीतिक विश्लेषक है, और डीके छगानी साहब है माकपा से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है। अलका जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा बीजेपी की स्थिति को लेकर, पहला कॉमेंट बीजेपी का रिएक्शन क्या है? देखिए संजय जी, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले ही इनके मंत्री महोदय को दिखा रहे थे, ये जो वर्डिक्ट आया ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के पक्ष में आया है। काफी संख्या में निर्दलीय जीत कर आए हैं। इनके मंत्री सुभाष गर्ग जी कह रहे थे कि हम टिकट दे रहे थे लेकिन लोगों ने टिकट नहीं लिए, निर्दलीय लड़े, और अभी आपके मंत्री महोदय अभी 2 मिनट पहले ही कह रहे थे कि जुड़ना पड़ेगा सरकार के साथ नहीं तो शहर उपेक्षित रहेगा। ये जो लाइन ऑफ एक्शन लेके कांग्रेस चल रही है, ये डरा धमका कर और सत्ता का दुरुपयोग करके ये जगह जगह निर्दलीयों को लालच देकर वोट बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक दूषित राजनीति का एक हिस्सा है
और आप देखिए ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि कांग्रेस को बहुमत मिला है। इनके मंत्री बीकानेर के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही आपके चैनल पर आई थी, तब कहा था कि बीकानेर में कांग्रेस का बनेगा, बीकानेर की जो स्थिति है इनके कैबिनेट मिनिस्टर के वार्ड में ही कांग्रेस हार गई है। तो बीकानेर में बीजेपी कहां बनी? एक लोकल चुनाव है, इसमें बीकानेर में बीजेपी की भी कहां बनी है मैडम? बीजेपी की सीटें कम है, तीन सीटें कम है। बीकानेर में बीजेपी ही बनेगी, बनेगी अलग बात है, बीजेपी ही अपने दम पर नहीं बनेगी, बीकानेर में अपने दम पर नहीं बनेगी, तीन को मिलाना पड़ेगा वो भी निर्दलीय। लेकिन ये कहना कि बीकानेर में देखिए क्या है, ये लोकल चुनाव है, लोकल फैक्टर्स इनमें बहुत होते हैं, लोकल समीकरण बहुत अपना रोल प्ले करते हैं। और कांग्रेस ने पहली बार 7 डेज का टाइम दिया है, 7 डेज मतलब ये हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। और खुलेआम इस सरकार के मंत्री आपके चैनल पर भी बोल रहे हैं शहर उपेक्षित हो जाएगा अगर सत्ता के साथ नहीं रहे, तो ये भाषा मुझे नहीं लगता। हॉर्स ट्रेडिंग वाला सिलसिला शुरू कहां से होगा और खत्म कहां होगा ये समझ में नहीं आता। कांग्रेस अपने विधायकों को उठाकर लाती है राजस्थान में, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहती कि बीजेपी से डर है, आप कह रही कि नहीं हमको उनसे डर है, और ट्रेडिंग के लिए उन्होंने समय दिया है, मतलब समय रखा है। को तो अपने अपने विधायकों तक पे विश्वास नहीं है, उनको लेकर यहां तक विश्वास नहीं, वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ऐसा करती है इसलिए हमको रखना पड़ता है। हम तो और कली आप तो विचार की राजनीति के साथ हम वैचारिक अधिष्ठान को लेकर कली आप तो मेरे साथ चर्चा में थी, तो निकाय चुनाव के बाद भी हुआ, अपने पार्षदों को जो ये तो निकाय चुनाव के बाद भी हुआ। जब 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 मतदान होता है उसके बाद जो है पार्टी को अपने उम्मीदवारों से ये होने लगता है कि कहीं ये छिटक ना जाए और उन्हें रिजॉर्ट्स में रखा जाता है, स्वीकार नहीं करते हैं, अलग मसला है। हरियाणा में जो है पहुंचा दिया जाता है उम्मीदवारों को, नहीं ऐसा नहीं। चलिए वापस मैं जो है हमारे पास यहाँ पर लौटेंगे, जुगल जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ अलवर से। जुगल लेटेस्ट अपडेट बताइए, क्या कुछ स्थिति वहां पर फिलहाल? जी मैं बताना चाहूंगा, तीनों ही निकायों के चुनाव परिणाम यहां पर सामने आ चुके हैं, लेकिन बात वही आ रही है कि कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। सबसे बड़ी बात है अगर मैं भिवाड़ी की बात करूं तो वहां पर 60 वार्डों के लिए जो चुनाव हुए उसमें 23 भाजपा को मिले और 23 ही पार्षद बीजेपी के और कांग्रेस के 23-23 जीत पाए, और उसके बाद 2 बसपा के और अन्य 12 निर्दलीय हैं। यानी वहां भी बोर्ड बनाने के लिए निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा और वहां पर किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत ना मिल पाने की स्थिति में अभी बोर्ड कौन बनाएगा यह स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वहीं अगर अलवर की बात करूं तो अलवर में भी 65 वार्डों के लिए जो मतदान हुआ उसके परिणाम आए, उसमें 27 पार्षद भाजपा के जीते हैं और 20 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, उसके अलावा 18 निर्दलीय पार्षद हैं। अब जोड़ तोड़ का गणित शुरू हो गया है, दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने व्यवस्थाएं बैठाना शुरू कर दी है कि किस तरीके से निर्दलियों को अपने पाले में लाया जाए। यह काम भाजपा के लिए इसलिए आसान है क्योंकि उसको सिर्फ 6 पार्षद और चाहिए बोर्ड बनाने के लिए। अब यह तो देखना होगा कि भाजपा अपना तीसरा कार्यकाल बोर्ड यहां पर नगर परिषद में बना पाती है नहीं बना पाती है, यह तो अभी आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं अगर थानागाजी की मैं बात करूं, थानागाजी में भी स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाया, वहां पर कांग्रेस को 10 पार्षद जीते हैं 25 में से और 9 भाजपा के जीते हैं और 6 निर्दलीय पार्षद हैं। यानी कि अलवर के अगर चुनावों की बात करें तो तीनों निकायों में कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, इसके चलते सिर्फ निर्दलियों पर सहारा लेकर ही भाजपा या कांग्रेस जो भी बोर्ड बनाएगी इनके सहारे से ही बोर्ड बना सकती है। अब फिर वही 7 दिन का जो समय मिलेगा, फिर सभापति का चयन होगा, उपसभापति का चयन होगा, उससे पहले पार्षद जो निर्दलीय होंगे वो अपनी बात रखेंगे, किस तरीके से अब ये गणित बैठेगा, अब ये पूरे 7 दिन तक यही खेल चलने वाला है। संजय बिल्कुल, ये स्थितियां जो है वो अब लगातार देखने को मिलेगी कि आखिर किस तरीके तमाम चीजों को जो है फिर बाद में साफ यहां पर किया जाता है। जुगल आपके पास अपडेट के लिए हम यहां पर आते रहेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं, जिस तरीके से हमने यहां पर जिक्र किया अलका जी कि आखिर अगर जीत हुई और उसका श्रेय लेने के लिए तमाम लोग तैयार रहते हैं तो हार के बाद मंथन का जब वक्त आता है तो उस पर बार बार ये क्यों कह दिया जाता है कि सरकार और जो सत्ता में है लोग उन्हें इसका इसकी वजह से जो है फायदा मिलता है? क्या जो निकाय चुनाव हैं सिर्फ सत्ता का चेहरा देखकर लड़े जाते हैं और सत्ता में जो कुछ भी नतीजे सामने आते हैं उस वक्त में जो भी जनता की तरफ से मोहर लगाई जाती है निकाय चुनाव को लेकर वो सिर्फ इस चीज को देखकर कि नहीं सत्ता में आकर कौन बैठा हुआ है तो फिर वही जीतेगा, फिर तो निकाय चुनाव का कोई अर्थ ही नहीं?
नहीं नहीं सुमित जी, मेरा ये कहना है कि ये जो शहरी चुनाव होते हैं ये, या आप देख लीजिए पंचायतों के चुनाव, इनके अंदर लोकल फैक्टर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। वहां का समीकरण क्या है, वहां के लोकल इश्यूज क्या है, वो सारी चीजें मिलकर पार्टी का भी एक रोल होता है, लेकिन ये चीजें भी महत्वपूर्ण होती है और उसके हिसाब से ये परिणाम आते हैं। कांग्रेस ने अपनी तरफ से छोटे वार्ड्स बनाए, जातिवाद और जातिवाद के हिसाब से, तुष्टिकरण के हिसाब से वार्डों का परिसीमन किया, 7 दिन का गैप दिया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डायरेक्ट इलेक्शन को के लिए कहा था, वो पलटकर इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी परिणाम क्या रहे, निर्दलीय प्रत्याशी काफी जीत कर आए। हम जहां नहीं जीत पाए हम उस हार को स्वीकार करते हैं। अगर किसी वार्ड्स में कहीं किसी पालिकाओं में नहीं आए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ टिकट वितरण भी इसी तरह से हुआ था और हार का मंथन भी, समीक्षा भी हम करते हैं। हम 25 लोकसभा सीट जीते थे लेकिन उसके बाद भी हमने बैठ के एक एक सीट का मंथन किया था कि कहां प्लस माइनस क्या क्या रेशियो रहा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, ये तो अच्छी बात है अलका जी की, मंथन तो सारी पार्टियों को करना चाहिए भाई, परिणाम आया है, सत्ता में आना है। देखिए हमारी पार्टी जीत का चीजों को मजबूत करना है तो मंथन तो करना होगा, लेकिन रिजल्ट क्या कहते हैं, रिजल्ट यही कहते हैं कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी, समीक्षा तो बहुत जरूरी है, फिलहाल कांग्रेस पार्टी आम जनता के दिलों में। सुशांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुशांत के साथ रुख कर लेते हैं पहले एक बार और समझते हैं कि क्या कुछ जो है उनके पास अपडेट है। सुशांत, जयपुर में क्या कुछ हलचल है आज के दिन को लेकर, क्योंकि बड़ा दिन है और जाहिर है जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं वो कांग्रेस के चेहरे पर जरूर हंसी लेकर यहां पर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम देखिए निगम जो के जो चुनाव है वहां पर बेहतर कर रहे हैं, स्थितियां हमारी भी इतनी खराब नहीं है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, कांग्रेस के लिए परिणाम सुखद है लेकिन निर्दलीय भी बड़ी संख्या में जीते हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम आंकड़ों की जो तस्वीर अब तक साफ हुई है उसकी बात करें तो करीब 23 निकाय हैं जहां पे कांग्रेस क्लियर जीत रही है, करीब 6 निकाय हैं जहां भाजपा, और बाकी जो है वहां पे निर्दलियों का दबदबा है, यानी टिकट वितरण में दोनों ही पार्टियों से चूक हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस इस मामले में बेहतर प्रदर्शन किया, खासतौर पे इस बार जो रणनीति में बदलाव हुआ कि पीसीसी में बैठकर टिकट नहीं बांटे जाएंगे, इस बार जितने भी कांग्रेस के प्रभारी मंत्री थे, जो नेता थे, जिलाध्यक्ष थे और स्थानीय लीडर थे, उनसे पूछा गया कि आप बताइए कौन सा कैंडिडेट साफ छवि का है, जिताऊ है, उसको टिकट दिया जाए। और यही कारण है कि कई ऐसे गढ़, अगर मैं बात करूं निम्बाहेड़ा की, तो 15 साल से लगातार भाजपा का वहां पर कब्जा था लेकिन कांग्रेस वहां जीती है, यही कहानी हनुमानगढ़ में भी है, सूरतगढ़ में भी है। तो कुल मिला के कांग्रेस की रणनीति काफी हद तक कारगर हुई, लेकिन भाजपा भले ही कहे कि बेहतर प्रदर्शन कर रही है लेकिन हार को स्वीकार करना चाहिए। हमारे साथ शशि मोहन जुड़े हैं, पहली बात तो ये कि कांग्रेस की जीत के कारण और भाजपा से कहां चूक हुई है। देखिए ये तो दोनों पार्टियां मानती हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है प्रदेश में उसको इन चुनाव में बढ़त मिलती है, क्योंकि ये शहर की सरकार है, सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट बजट रिलीज करती है, स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा काम पड़ते हैं, सेंट्रल से आप ना तो सीधे फंडिंग ला सकते हैं ना आप सीधे सेंट्रल से खतों खिताबत कर सकते हैं। ये बात सही है कि समवर्ती सूची विषय है, शहरी क्षेत्र समवर्ती सूची में आता है, दोनों योजनाएं बना सकती है लेकिन सीधे तौर पर कुछ लाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है वो अशोक गहलोत का ईडब्ल्यूएस को जो रिलैक्सेशन दिए गए, जो अचल संपत्ति के प्रावधान हटाए गए, और इसके बाद बीजेपी से भी ये सवाल खुद मुख्यमंत्री ने पूछा था कि क्या केंद्र में मोदी सरकार पर इस चीज के लिए मांग करेंगे, दबाव बनाएंगे। बीजेपी के नेता जो गलती अब तक कांग्रेस करती थी कि जनता की नब्ज नहीं समझ पा रही थी कांग्रेस, वो अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं, मांग आएगी तो देखेंगे, कहीं से कोई मांग नहीं आई है विचार करेंगे, खुलकर बयान नहीं आया, खुलकर बयान नहीं, दरअसल पार्टी के नेता अपनी गुडविल बनाने में लगे हुए हैं, केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने उनको छवि बनानी है, बाकी जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है क्या नहीं जा रहा है उसकी परवाह कई बार नहीं की जाती और उसका खामियाजा इस रूप में। ये माने शशि मोहन की सरकार के 11 महीने के कामकाज पर मोहर है ये जो वर्डिका है, ये कहा जा सकता है कि सरकार के कामकाज को लोगों ने पसंद किया, और खास तौर से जो अशोक गहलोत का पिछली बार नारा था, आपको ध्यान होगा जब दूसरा कार्यकाल था अशोक गहलोत का, जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये कहा जाता था कि कड़ी से कड़ी जोड़ी है, निकाय की कड़ी, स्टेट की कड़ी और केंद्र की कड़ी, तब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, ये तीनों जुड़ेंगी तो लोगों को फायदा होगा, लोगों ने उस चीज को अभी भी दिमाग में रखा। आप देखेंगे पिछली बार जब ये जो 49 निकाय, इनमें से 6 निकाय नए हैं, 43 में जब चुनाव पिछली बार हुए थे तो 37 में बीजेपी जीती थी और 6 में कांग्रेस जीती थी, अब नतीजे तकरीबन पूरे उल्टे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है पिलानी का नतीजा,
पिलानी में 31 निर्दलीय जीते हैं 35 में से, ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने दोनों ही पार्टियों को वापस कह रही है कि हम अधिकांश जगह सिंबल नहीं बांट पाए ढंग से जहां निर्दलीय जीत कर आए हैं? देखिए ये सवाल उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी हुआ था, पीसीसी चीफ के नाते भी उनसे ये सवाल हुआ था कि दोनों जगहों पर कई जगहों पर कांग्रेस पूरे कैंडिडेट नहीं उतार रही, बीजेपी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब ये सवाल हुआ तो कहा गया कि स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता टिकट की इच्छा रखते हैं, ऐसे में कई बार पार्टी में टूट नहीं हो जाए, इस चीज को विचारधारा के लोगों का वेट करेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहला चुनाव, ये अगर बात करें राजस्थान की बड़ा चुनाव इसे कहें, तो राम मंदिर का फैसला प्रभावित नहीं कर पाया है, स्थानीय मुद्दे जो है वो हावी रहे। देखिए भले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं और उनके स्वागत के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए, और जब वो सऊदी अरब जाएं उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया जाए, वो मुद्दे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में काम नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो निकाय चुनाव में काम नहीं कर सकते। अगर किसी को अपने यहां पर सफाई व्यवस्था चाहिए, सड़क चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, नाली चाहिए, सीवरेज चाहिए, इसके लिए फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट से आएगी। इसके लिए जरूरी है कि वहां के निकाय की ट्यूनिंग राज्य सरकार से इतनी मजबूत हो कि सरकार से जब चाहे तब फंड ला सके, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से विकास कार्य करा सके। और राजनीति में देखिए पिक एंड चूज तो होता है, इसमें कोई भी गुरेज नहीं है, और राजनेता भी आमतौर पर मानते हैं, ये बात अलग है कि कैमरे से पीछे हट करके मानते हैं, जिस पार्टी को जिस जगह से ज्यादा वोट मिलते हैं वहां पर पार्टी विकास को तरजीह देती है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, जो अनुच्छेद 370 हटाया वो बीजेपी ने, वो मुद्दे जब कश्मीर और महाराष्ट्र में ज्यादा कारगर नहीं दिखाई दिए बीजेपी के लिए, तो बीजेपी ये गलती कैसे कर गई कि निकाय चुनाव में भी उनको ये मुद्दे बहुत मजबूती से दिख रहे थे। भले राम मंदिर पर पुनिया की एक तरीके से कहें पहला बड़ा चुनाव आगाज अच्छा नहीं हुआ है। देखिए सतीश पूनिया की परख का सवाल विधानसभा के उपचुनाव में भी आया था, जब दो सीटों पर हुआ उपचुनाव, तो ये बात आई एक एक बराबर रहा, लेकिन तब भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा, गठबंधन की सहयोगी आरएलपी के हाथ एक सीट लगी है, लेकिन अब आप आरएलपी से आगे गठबंधन निकाय में कंटिन्यू नहीं रख रहे हो। निकाय में आरएलपी कह रही है कि वहां विचारधारा को देखेगी, किसी को सपोर्ट कर भी सकती है नहीं भी करेगी, लेकिन सतीश पूनिया के आने के बाद सतीश पूनिया निकाय चुनाव में सक्रिय रहे, अलग अलग जगहों पर गए, और उसके बाद भी उनको कोई बड़ी रेस्पॉन्स नहीं मिला जनता से। खास बात यह है कि जो सीटें बीजेपी के पास थी उनमें से कई जिले के जिले छिन गए। चूरू राजेंद्र राठौड़ का गढ़ माना जाता है, चूरू में कल 55 पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र राठौड़ के घर पहुंच गए थे, वहां आप क्लियर कट हार गए हैं, आपकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अगर निर्दलीय से समर्थन की भी जरूरत हो। इसी तरीके से जो बिल्कुल सही शशि और सुशांत आपके पास आएंगे दोबारा एक बार फिर से पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन दो मेहमान हमारे साथ एक एक बार उनके पास भी चलते हैं। मांचन खंडेला साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए रेशियो जो है वो 23-6 का बन चुका है, 20 ऐसा है जहां पर कोई दूसरा ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, ये रेशियो दोनों पार्टियों के लिए क्या संकेत है? देखिए एक मैं आपको टेक्निकल बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल, इन चुनाव में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता। इसका मतलब ये मत मानिए कि यहां वाला उधर नहीं जाएगा, इधर वाला यहां नहीं जाएगा, और केवल इंडिपेंडेंट जो भूमिका निभाएंगे, पता नहीं कौन इंडिपेंडेंट हो जाए और कौन डिपेंड हो जाए। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत ही सार्थक बात है जो प्रभाव डालेगी और 6 दिन में प्रभाव डालेगी, एक बात तो ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, ये सारे के सारा चुनाव जो है वो अवधारणा पर आधारित है। अवधारणा किस तरह की है, केंद्रीय स्तर पर जैसा अभी आपने कहा राम मंदिर और ये 370, एक तो ये थी यानी नरेंद्र मोदी मजबूत हैं, और दूसरी तरफ ये था कि अशोक गहलोत जो है वो व्यवहारिक है, सुनते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, करते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि जनता पूरा प्रयास करते हैं। मैं अवधारणा की बात कर रहा हूं, मैं किसी का पक्ष विपक्ष, और ये इस अवधारणा में अशोक गहलोत जीते हैं। तीसरी बात मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि पहली बार ये कहा गया था पीसीसी के अध्यक्ष की तरफ से कि चुनाव तो मैं कह रहा हूं आपको चुनाव तो पीसीसी लड़ेगी, और वहां से धीरे धीरे करके जिस तरह की बात हुई वो जो ना वीकर सेक्शंस के बारे में जो कुछ बात हुई उसके बाद में ऐसा लगा कि प्रायोजित समर्थन प्राप्त किया। ठीक है, डीके जगानी साहब, डीके जगानी साहब, तो जो जो क्योंकि हम 23 का जिक्र कर रहे हैं और साथ में 6 का जिक्र कर रहे हैं, वापस आपके पास आऊंगा मैं खंडेला साहब, जो 23 का और 6 का बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें साथ ही एक नंबर आंकड़ा 20 का भी, यानी निर्दलियों का, तो जो चूज किए गए उसमें बड़ी गलती टिकट वितरण में जो है वो दोनों ही पार्टियों में खासतौर पर बीजेपी ने भी कर दी। देखिए जानबूझ के मैं क्षमा करें, देखिए विधानसभा चुनाव में यह कहा गया था अगर 115 या 20
कांग्रेस जीत जाएगी तो एब्सोल्यूटली पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है और उसके बाद में अगर ये मान लो 100 या 105 के पास रहा तो कोई रोक सकेगा अशोक गहलोत को बनाने में। ठीक है खंडेला साहब माफ करिएगा समय अभी इजाजत नहीं दे रहा नहीं तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते लेकिन बहरहाल आप सभी का शुक्रिया और दो मिनट में आप देख लेते हैं दरअसल कुछ और खबरें। सियाचिन में उत्तरी ग्लेशियर के पास आए एवलॉन्च में फंसकर सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। इसमें 2 पोर्टर्स भी मारे गए हैं और सेना के मुताबिक सोमवार की दोपहर 18,000 फीट की ऊंचाई पर हुए एवलॉन्च ने सेना की कुछ चौकियों को तबाह कर दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के 4 सदस्यों ने सोमवार की शाम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि जो कमेटी बनी है उसके सामने इन मांगों को रखा जाएगा। पाकिस्तान एक बार फिर जस से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया है। राजौरी पुंछ में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएमसी के मेयर चुनाव में बीजेपी के पीछे हटने के फैसले ने शिवसेना के लिए निर्विरोध जीत का रास्ता साफ कर दिया है। 22 नवंबर को होने वाले मेयर चुनाव के लिए शिवसेना उम्मीदवार किशोरी पेडनेकर और डिप्टी मेयर के लिए सुहास वाडकर ने सोमवार को अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल किया। ताजनगरी आगरा में नाम आने वाले दिनों में आगरा वन इसका हो सकता है। योगी सरकार आगरा का नाम बदलने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार की ओर से आगरा की अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव पर साक्ष्य मांगे गए। अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव के बाद कवायद में जुट गया है। गांधी परिवार की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ ने एसपीजी वाली बुलेट प्रूफ कार की मांग की है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय ने एसपीजी की बुलेट प्रूफ कार तुरंत मुहैया कराने की गुजारिश की है। दरअसल सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिली एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद अब सीआरपीएफ को गांधी परिवार की सुरक्षा दी गई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची 2 संपत्तियों की आज नीलामी होगी जिसकी करोड़ों में कीमत आकी गई है। ये दोनों संपत्तियां मुंबई के सांताक्रूज में मौजूद हैं। नीलामी वित्त मंत्रालय द्वारा करवाई जाएगी। इसके तहत 2 फ्लैट्स के लिए आरक्षित मूल्य 3.45 करोड़ रुपए रखा गया है। प्रायोजक मुल्तानी पचमीना कुछ नहीं बचेगा आओ अब सब बचेगा और मास्टर कार्ड सेफेस्ट वे टू पे। प्रदेश भर में निकाय चुनाव परिणाम की मतगणना लगातार जारी। 49 निकायों में से 23 निकायों में कांग्रेस की क्लियर जीत। 6 निकायों में ही बीजेपी को मिली कामयाबी।
निकाय चुनाव में सीएम अशोक गहलोत का चला जादू, ज्यादातर बोर्ड पर कांग्रेस ने किया कब्जा, बीकानेर नगर निगम में भी निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रही कांग्रेस। जनता ने विश्वास प्रकट किया है, उनकी अपेक्षा और आशा के अनुरूप काम करी सरकार। जनता बहुत समझदार है, वो तमाम सेक्टर साथ रखती है। निकाय चुनाव में चंद बोर्ड पर सिमटी बीजेपी, 6 निकायों में ही बीजेपी को मिली कामयाबी, 20 निकायों में निर्दलीयों ने जमाया कब्जा। पिलानी नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी बने जनता की पसंद, 35